करनाल के सुप्रसिद्ध चावल व्यापारी चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स कंपनी के दो ट्रक 4 फरवरी को सोने पर जाते हुए गायब हो गए। यह जानकारी सेतिया एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक विजय सेतिया ने समाचार एक्सप्रेस को दी। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को करनाल से 2 कंटेनर सोनीपत के लिए रवाना हुए थे, जो कि आरके होस्ट कंपनी के ड्राइवर द्वारा ले जाए गए थे। उस दिन से कंटेनर व ड्राइवर दोनों गायब हैं एवं उनके मोबाइल भी बंद है, जिसकी शिकायत आरके होस्ट कंपनी द्वारा गन्नौर थाने में करवाई गई है। चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स कंपनी एक सुप्रसिद्ध कंपनी है जो चावल एक्सपोर्ट का कार्य करती है। उन्होंने बताया कि इन कंटेनरों में 40 से 45 लाख के करीब कीमत का चावल लदा हुआ था और जिस पर जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ था, जिसको उखाड़ कर वे फेंक गए। इस चोरी की वारदात से व्यापारियों में डर का माहौल व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यह सब कानून व्यवस्था की लापरवाही है, क्योंकि व्यापारियों को व्यापार करने में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आरके होस्ट कंपनी का कहना है कि हो सकता है कि यह किसी गैंग का कार्य हो, जो ड्राइवर समेत ट्रकों को गायब कर ले गए हो। आप भी सुनिए सुपति चावल व्यापारी चमन लाल सेतिया ने समाचार एक्सप्रेस से और क्या कुछ कहा। हमारे साथ हैं चावल व्यापारी विजय सेतिया जी, उनके साथ चोरी की वारदात का एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। हम उनसे ही बात करेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है। थोड़ी चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक मतलब अच्छा एक्सपोर्ट का काम करने वाली हमारी कंपनी है और रोज़ाना यहाँ से 12-14 कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए भर के लोड होते हैं। ये 2 कंटेनर चावल यहाँ कैथल रोड से हमारी फैक्ट्री चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट से भर के सोनीपत के लिए जा रहे थे। आरके होस्ट जो कंपनी है जो इसके लिए कंटेनर सप्लाई करती है, उन्होंने अपने कंटेनर ट्रक के अंदर जीपीएस सिस्टम भी लगा रखा था, और लेकिन जब उन्होंने देखा कि जीपीएस सिस्टम एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है तो उन्होंने पड़ताल करी, तो जीपीएस सिस्टम उखाड़ के पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों में पड़ा मिला उन्हें, और उसके बाद उन्होंने गन्नौर थाने में जाके FIR करवाई कि इस तरह से ये हमारे जो कंटेनर भर के हैं चमनलाल सेतिया से, वो कंटेनर गायब है और ड्राइवर का कोई अता पता नहीं है। क्या सामान लदा हुआ था इसके अंदर? चावल लदे हुए थे दोनों कंटेनर के अंदर, बासमती चावल। आप समझते हैं इंडिया से सारी दुनिया मतलब करनाल से बासमती चावल जाता है, और ये दोनों कंटेनर बासमती चावल भरे हुए थे। कितना नुकसान हुआ इसमें? ये अंदाज़ा 2 कंटेनर चावल 40 से 45 लाख की कीमत के रहे होंगे। तो उसमें आप ड्राइवर कोई चोर मानते हैं, कोई और भी हो सकता है? ऐसा है कि कंपनी आरके होस्ट जिनके यहाँ से ये गाड़ी आई है, उनका ये कहना है कि ड्राइवर का आधार कार्ड और बाकी पूरा डिटेल हमारे पास है, उसका अपना घर है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ। अभी इसकी जांच में ही पता चलेगा कि ये ड्राइवर की बेईमानी है कि या कोई गैंग ऐसा सक्रिय है जो ड्राइवर को पकड़ के साथ ही ले गया। तो पुलिस में FIR दर्ज करवाई आपने? हाँ, ये गन्नौर थाने में FIR दर्ज हुई, क्योंकि कंटेनर जो हैं आरके होस्ट कंपनी ने गन्नौर सोनीपत डिपो से ही चलते हैं, तो उन्होंने उसकी FIR करवा दी और उसकी कॉपी हमें दे दी है। कब की वारदात है ये? 4 तारीख को कंटेनर लोड होके गए थे, 5 तारीख को अंदाज़ा उनको ये लगा कि ये कंटेनर सोनीपत तक 24 घंटे में क्यों नहीं पहुंचा, तो उन्होंने पड़ताल करी और उसी में ये पाया कि GPS उखाड़ के फेंक दिया है। और दूसरा उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो फास्ट टैग लगा हुआ है उसको भी ड्राइवर ने उतार दिया है, या जिसने भी गाड़ी पे कब्जा किया उसने उतार दिया है, क्योंकि वो ट्रैक के किस तरफ कंटेनर गए चले ये किसी को ना पता लगे। तो इसमें क्या मिलीभगत है या क्या कुछ आप सामने आप अपने आप में क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। ये राइस इंडस्ट्री के साथ पहले भी ऐसे धोखे होते रहे हैं, यहाँ से चावल भर के ले जाते हैं, कंटेनर चोरी कर दिए, माल जब बाज़ार में बिकता है, और क्यों नहीं पुलिस की नज़र में ये आता कि जब ब्रांडेड एक्सपोर्ट की पैकिंग्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि बाज़ार के अंदर अगर कोई व्यापारी भी ऐसे माल चोरी का खरीदते हैं
तो उनको जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो ड्राइवर जो चोरी करते हैं उनको भी हौसला मिला रहेगा। थैंक यू। आपको भेजते हैं, उनके मालिकों से आपकी बात हुई है, वो क्या व्यू रख रहे हैं अपना? उनका ये कहना है कि मैंने ड्राइवर को पूरा तसल्ली करके रखा है, उसका आधार कार्ड मेरे पास है, उसका घर का पता ठिकाना, उसका अपना मकान है, वो सारी बातें मैंने वेरीफाई की हैं। वो कहता है मेरे को ये भी शक है कहीं कोई गैंग ड्राइवर को भी साथ अपने ना बांध के ले गया हो और कहीं ये चोरी के साथ साथ उससे ज़्यादा संगीन मामला ना बन जाए। तो ड्राइवर का कोई अता पता भी? अभी तक कोई पता नहीं मिला। कोई मोबाइल नंबर वगैरह? उसका मोबाइल बंद आ रहा है, पूरी ट्राई करी है और पुलिस भी अब उसके लिए कोशिश कर रही है। आज कितने दिन हो चुके? आज तीसरा दिन हो गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।